स्वागत है जी प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू दे विच देश दुनिया दी अहम खबरां दे उत्ते चर्चा करांगे। पर सब तो पहला पन्नू साहब जी दा स्वागत कर लैने आ। पन्नू साहब जी स्वागत है जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया कुलदीप, सत श्री अकाल। पन्नू साहब सेहतां ठीक ने जी, ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल, इस उम्र विच बजुर्गां दी जिन्नी क सेहत ठीक हुंदी आ, मैं जो उदां दा बजुर्ग तां नहीं पर उम्र तो पहला होया है, इस करके ठीक है कोई नहीं जी। पंज साहब शुरुआत करते हैं जी, कल तेलंगाना दा मुख मंत्री पंजाब आए तो वह पंजाब के जोड़े शहीद किसानों के परिवार से उन्होंने पैसे वंड के गए ने। ये गल कुछ हजम जी नहीं हुई कि शहीद तो पंजाब के किसान होए ने ते पैसा वंडण आउंदा साउथ का मुख मंत्री। ये चंगी गल हुई है कि साउथ के एक सूबे के मुख मंत्री तेलंगाना के मुख मंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस तरह की सुहिरदता विखाई है। जोड़े किसान किसानों के अंदोलन में दिल्ली बार्डर उत्ते जांदे आउंदे रस्ते च जाना गवा बैठे किसान लहर के शहीद गिने जाते हैं। उन्हां च वड्डी गिणती पंजाबियों की ते 100 तो वध हरियाणे वाले भी सन। उन्हां वास्ते जो उन्हें इत्थे आके समागम किया तो बहुत वधिया गल है। नाल उन्हें देश के शहीद जिहड़े चीन के नाल असल कंट्रोल रेखा ते गलवान घाटी विच साडे फौजी जवान मारे गए, देश लई जान वार गए, शहीद होए, लद्दाख विच शहीद होए, उन्हां दे वारसां वास्ते भी सहायता दित्ती। ये हुण अपने आप दे विच एक नवीं रिवायत है कि उत्तरी भारत दे सूबियां विचों एक लहर उठी होवे, दक्षिणी भारत विचों उठ के एक सूबे दा मुख मंत्री इत्थे आवे, अपने नाल अपनी सरकार दे चीफ सैकटरी नूं लियावे। किसी भी सूबे दे विच सरकार दा सियासी तौर ते मुखी चीफ मिनिस्टर हुंदा ते एडमिनिस्ट्रेशन दा प्रशासन दा सारे दा मुखी चीफ सैकटरी हुंदा, उहनूं नाल लियांदा, अपने मंत्री लियांदे, कुछ MLA लियांदे ते उहनां सारियां दी हाज़री च दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल भी इत्थे सन ते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान भी। इन्हां सारियां दी हाज़री च किसानों की मदद भी की जाए तो जंगी शहीदों की जोड़े फौजी शहीद सन उन्हों की मदद भी की जाए। ये शलाघायोग उपराला है। इधरों भी वड्डी गल है कि उन्हें जोड़ा इत्थे आके सुनेहा दिता कि मैं अपने राज दे विच केंद्र सरकार की स्कीम भी किसानों के उत्थे मीटर सिस्टम शुरू कर दो मैं नहीं मनी, क्योंकि मैनू अपने देश के अपने राज के किसानों के हित प्यारे आ। एक मैसेज वो दे गया, एक सुनेहा दे गया कि पंजाब दे किसान भी इहो जी स्कीम मनण दा। दूजा उन्हें आख्या कि किसानों ने जिहड़ी लड़ाई लड़ी है वो कल्ली पंजाब दे किसानों की लड़ाई नहीं सी, हरियाणे दे किसानों की लड़ाई नहीं सी, वो समुचे देश के किसानों की लड़ाई सी। ते मैं एक कहना चाहना कि अगे तो जदों भी लड़ाई लड़ी जाए तो कल्ली उत्तरी भारत की, जिहदे विच पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जां उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा इत्थों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जे किसानों ने अपने हित जोड़े प्यारे आ वो जोड़े अपने हक है लैने आ, तो ये लड़ाई जी पूरे देश के पद्धर उत्ते लड़ी जानी चाहिए है, क्योंकि देश भर के किसानों नाल ज्यादती हो रही है। उन्हें जोड़े ढंग नाल एक सुनेहा दिता, सवाल ये नहीं कि उन्हें किस तरह, एक अंदाजा है कि उन्हें शायद 20-21 करोड़ रुपया देता होगा। इन्ने क पैसे उन्हें जिस तरह दिते आ, अपने सूबे तो बहुत दूर आके उत्तर भारत में वो भावना नोट करना चाहिए। फिर उन्हें यह भी आख्या कि मैनू इस गल का अफसोस है कि मैं तुहाडे कोल पहुँचद्या काफ़ी देर कर दी, क्योंकि पहला जदों मैं आना चाहता सा उदों चोण जाब्ता लागू हो गया तो फिर कुछ रजेवें दूजे सन, मैं आ नहीं सकिया। हुण तुहाडे कोल पहुँचे हाँ, पर तुसीं पंजाब दे किसान ये महसूस करियो कि तेलंगाना के किसान तो तेलंगाना के आम लोग जोड़े हकों का ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं, वो सारे तुहाडे नाल खड़े आ। नाल ही उन्हें फौजी शहीदों के परिवारों नूं कहता कि तुसीं देश वास्ते कुर्बानियां दित्तियां ने, इन्हां कुर्बानियां दी कदर असीं पूरी पाउने आ, ते तुसीं ये गल याद रखियो कि पूरा देश तुहाडे नाल आ, क्योंकि तुसीं सिर्फ फौजियां दे परिवार नहीं, तुसीं साडे सारियां दे परिवार हो। इस मौके ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुनेहा दिता, पर साडे पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने तेलंगाना के मुख मंत्री का स्वागत भी किया, धन्नवाद भी किया। सब तो वड्डी गल किसानों वास्ते तो फौजियों के परिवारों वास्ते कही कि तुसी जिहड़ी लड़ाई लड़ी आ, किसानों ने वो लड़ाई लड़ी आ जिहड़ी कल्ली किसानों की नहीं, साडी सारियां दी सांझी लड़ाई सी। ते फौजी जवानों बारे उन्होंने ये कहा कि वो तपदे मारूथल दे विच जैसलमेर विच भी ड्यूटी करते हैं, तो -20 डिग्री -30 डिग्री टैंपरेचर दे विच कित्थे कारगिल दीयां चोटियां दे उत्ते चढ़ के भी उदों साडे देश की राखी वास्ते वो डटे हुंदे आ, जदों असीं निघे बिस्तरियां 'च पए आराम की नींद सौ रहे हुंदे आ। तो असीं तां सौंदे आ कि साडे फौजी जवान साडी खातर उन्हां मोर्चां ते डटे हुंदे आ। असीं इन्हां दे देणदार आ, इन्हां दे योगदान नूं, इन्हां दी शहादत नूं भुल नहीं सकदे। जिस तरह उन्हां ने आखिया कि असीं तुहाडे नाल आ, और जदों भगवंत मान ने यह आखिया कि किसान भी तो फौजी परिवार जिहड़े ने वो भी ये नोट कर लो कि तुहाडे घरां दे जिहड़े प्यारे जी विछड़ गए आ, असी दुनिया की कोई भी करंसी लै आईए तुहाडे घर दे प्यारिआं नूं असी वापस लिया नहीं सकते, पर असी ये यकीन तुहानूं दिवा सकते हैं कि औखी घड़ी 'च असी सारे दे सारे लोग तुहाडे नाल आ, क्योंकि तुसीं साडे लई कुर्बानी कीती है। इस कुर्बानी नूं असी नहीं भुलांगे। उत्थे सारा ही माहौल भावक हो गया। जिन्नियां उत्थे बीबियां बैठियां सन शहीद परिवारां दियां, उन्हां दे भी अथरू वगे, और एक बीबी तां मुख मंत्री भगवंत मान दे गल लग के बड़ी देर तक रोंदी भी रही। ये सारा माहौल जिहड़ा सी इहदे चों एक भाईचारक सांझ निकली है जिहड़ी अगे तोरी जानी चाहिदी है। मैं समझदा बहुत चंगा उपराला सी जिहड़ा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अगे लग के किया, तो साडे पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली वाले ने जिवें हंगारा भरिया, खास तौर पर साडे पंजाब के मुख्यमंत्री ने हंगारा भरिया, उहदी शलाघा करनी बनती है। जी पंज साहब, मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले की गल करते हैं। इस मामले के विच SHO नूं वारंट जारी किए गए ने, ये SHO हुण तक पेश क्यों नहीं होया? मौड़ मंडी च बंब धमाका होया सी 2017 दीयां जिहड़ियां पंजाब विधान सभा चोणां, उदों एक जलूस निकलदा पिया सी कांग्रेस पार्टी दा। उस हलके दे विच डेरा सच्चा सौदा वाले मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह दा सका कुड़म हरमिंदर सिंह जस्सी खलोता सी। पहला तो ये खबर आई कि सच्चे सौदे वाले बाबे का गुस्सा कढ़ण वास्ते उहदे कुड़म नूं मारन की कोशिश हुई है। बाद विच ये खबर आ गई कि उन्हां दोवां कुड़मां दी तां आपो च बनदी नहीं, किते ये तां नहीं उन्हां ने इहनूं मरवाउण वास्ते कीता होवे। फिर पड़ताल हुंदी रही। इस पड़ताल दीयां जिहड़ियां तंदां सन हौली हौली तुरदियां डेरे सच्चे सौदे तक पहुँच गईयां। जिहड़ी गड्डी विच रख के बंब धमाका किया गया सी उहदी पड़ताल कीती ते चोरी दी गड्डी सी। फिर ये पता लगा कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर रिहायशी इलाके भी ने, हस्पताल भी ने, स्कूल भी ने, कॉलेज भी ने, शॉपिंग सेंटर भी ने, वर्कशॉप भी है, पर एक VVVVI वर्कशॉप हैगी है जिथे डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम सिंह दियां अपनियां गड्डियां, सिर्फ अपनियां गड्डियां जिहड़ियां उन्हां दी सर्विस हुंदी, होर कोई गड्डी उत्थे नहीं जा सकदी। ये जिहड़ी चोरी वाली गड्डी इस काम वास्ते वरती गई, इस गड्डी का रंग बदलन, इहदी भन्न तोड़ करन वास्ते सारा काम उस VIP वर्कशॉप विच कीता गया सी। जिहड़े मकैनिक ने कीता सी, उस मकैनिक ने पुलिस की जांच विच मन लिया कि काम मैं ते मेरी टीम ने कीता। उहदे तो बाद बहुत सारियां गल्लां सन जिहड़ियां अदालत विच पेश होके कहण वालियां सन, पर ओह कईयां कदे नहीं गईयां, क्योंकि उस वक्त का SHO जिहड़ा सी शायद उहदा नाम शिवनाथ है, वो बाद विच DSP बन गया। अदालत ने उन्होंने 3-4 बार सद्या, वो पेश नहीं हुंदा। हर के अदालत ने समझ के कि यह बंदा कानूनी कार्रवाई अदालती कार्रवाई सहयोग नहीं कर रहा, उन्होंने वारंट जारी कर दिते आ पुलिस नूं कि इस बंदे नूं लिया के फड़ के पेश किया जाए। मैं समझदा कि यह गल पता की जानी चाहिए है कि पुलिस का अफसर पुलिस की कार्रवाई पुलिस के केस विच अजे तक अदालत विच पेश क्यों नहीं हो रहा? आखिरकार उन्होंने किसी की शह आ, किसी की उन्होंने कोई चुकना है, जां किसी पासों कोई डर है, जां उहदे अपने मन 'च है कि मैं नहीं परवाह करता किसी की। हालात जो भी होण, जिद्दां दे भी होण, उन्होंने जाके अदालत विच पेश होना चाहिए। तो जे अजे वारंटां तो बाद भी पेश ना होवे ते पंजाब पुलिस के मुखी नूं, DGP नूं उहदे खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए है जिहड़ी कार्रवाई बाकी पुलिस वालियां वास्ते भी मिसाली हो जाए कि जे केस पुलिस का तो पुलिस के अफसर ही पेश ना होण ते बहुत शर्मनाक गल गणी जाती है। पिछले समय इत्थे कई बार हो चुका कि कुछ केस पुलिस वालों ने बनाए, बाद पुलिस वाले जानबूझ के उन्हां तरीकां ते पेश नहीं होए, जां बहाना मार गए ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੋਟ ਹੋਵੇ तो वह भी गल स्पष्ट होनी चाहिए है कि वारंटा तो बाद किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। जी पुन साहब, कल एक बच्चा फिर बोरवेल दे विच डिग गया, 8 घंटे बाद बाहर कढ़िया पर जान नहीं बचाई जा सकी। अक्सर असीं इह जिहियां घटनावां सुणन नूं ते देखण नूं मिलदियां ने, पर इसदा कोई हल है? मसले दा किस दी जवाबदेही तय कर दिओ या फिर जवाक ने जिहड़े इदां ही मरदे रहणगे? कई साल पहलां जदों मुख मंत्री भगवंत मान अजे राजनीति विच नहीं सी, कमेडियन होंदा सी, उस वक्त पहली बार एक बच्चा हरियाणे च बोरवेल च डिग्गा सी। उहनूं कड्ढण ते 2 दिन लग गए। उस बच्चे दा नाम शायद प्रिंस सी। उस बच्चे दे वास्ते सारे देश विच ते दुनिया च रौला पिया। उदों बाद बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 8-9 ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ। कदे कदे कोई बच्चा बचाया भी जाता। सब तो पहले केस वाला बच्चा वह प्रिंस का बचा लिया सी, पर उदों बाद बहुत सारे केस है जिन्हां दे विच बच्चा जां उत्थे अंदर ही मर गया जां बाहर कड्ढण तो बाद मर गया, उहनूं बचाया नहीं जा सकिया। इन्हां घटनावां तो सबक लैणे चाहीदे है, पर सबक लै नहीं जांदे। साडे किसान भरावां दे विचों मैं सारे नहीं कहंदा, पर कुछ इहो जिहे हैगे आ जिहड़े किसी गल दी कोई परवाह नहीं करदे। जे किसी थां ते बोरवेल वास्ते टोआ पुट्टिया वो कहंदे साडी किहड़ा कोई वाह वाल वेख लू, है नहीं किसी की परवाह करदे। वो खुला छड्ड दिंदे आ और उहदे विच वो बच्चा कोई ना कोई डिग पैंदा। हुण जिहड़ी कल वाली घटना, जिहड़ा बच्चा हुण इत्थे रितिक नां दा बोरवेल च डिग्गा, उहनूं बचाउण वास्ते यतन होए, उहनूं जिउंदे जागदे नूं अजे साह हुंदे सी। जदों कढ लिया गया, कढण तो बाद हस्पताल ले के गए, पर उत्थों तक जांदिआं उहदी मौत हो गई। ये बच्चा जा रहा सी, इनू आवारा कुत्ते पे, उन्हां आवारा कुत्तियां तो बचण वास्ते भज्जा ते बोरवेल च जा डिग्गा। हुण इह कई गल्लां ने। एक गल तां इह कि किसान जिहड़े आ बोरवेल खुले छड्डदे क्यों ने। दूसरी गल इह कि जिहड़े कुत्ते ने वो भी जिन्हां ने पालणे वो तां पालण, जिहड़े आवारा तुरे फिरदे गलियां च उन्हां वास्ते फिर इदां दा प्रबंध होना चाहिदा कि जिन्हां नूं बहुत शौक आ, जिन्हां नूं ये कुत्ते प्यारे लगदे आ, वो इन्हां कुत्तियां दी जिम्मेवारी संभण। मैनूं ये पता कि इस तरह दीयां जानवर भलाई वालियां कुछ संस्थावां नूं ग्रांटां भी मिलदियां, पर उन्हां ग्रांटां दी ठीक थां ते वरतों नहीं हुंदी। आवारा कुत्तियां दे मामले विच वो हदों वध जिद करदे ने कि इन्हां नूं कुछ नहीं आख्या जा सकदा। मेरे कोल भी एक वारी जलंधर दे कुछ सज्जण आए सन जिहड़े आवारा कुत्तियां बारे कहिंदे सन कि इन्हां कुत्तियां नूं मारिया नहीं जाना चाहीदा। मैं कहा तो मैं भी नहीं कहता मार दिओ, पर उदा मैं तुहानू पुछना चाहना कि तुसीं इन्हां नूं मारन दे इन्हां खिलाफ क्यों जे ते इन्हां हेज क्यों पालदे जे? मैं तो कहता नहीं मार दिओ, पर तुसीं इन्हां दे इन्ने हेजरे क्यों? कहंदे जी कुत्ता जिहड़ा ना बड़ा भोला भाला जिहा जानवर हुंदा, बड़ा मासूम जिहा हुंदा। मैं कहा जिहड़ा कुत्ता लोकां नूं वढ खांदा वो तो मासूम हो गया, पर दुनिया दे विच भेड़ तो वध मासूम तो किसी नूं गिणिया नहीं जांदा। जलंधर दे विच रोज़ 2-3 हज़ार भेड़ां मारियां जांदियां ते उहदा मीट ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀਵ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ सरकारी मुलाजम आते होंगे सन, कुत्तियां घेर घेर के जिहड़ियां .22 दी गोलियां भी मारते होंगे सन, जां खाण वालियां गोलियां पा के भी मारते होंगे सन, रोटी च पा के गोली दिंदे होंगे सी। पर कुछ ना कुछ प्रबंध इहो जिहा होना चाहिए कि कुत्ते लोकां दे नाल ना भज्जण। सब तो वड्डी गल इह कि बोरवेल जिथे पुट्टिया उत्थे उह संभालिया जाना चाहिए, उहनूं किसी भी सूरत विच इस तरह खुला नहीं छड्डिया जाना चाहिए। कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि कल नूं किसी की जान का खौफ बन जाए। इस मामले में जोड़ा भी कोई लापरवाही करता पहला तो लोगों को सचेत किया जाना चाहिए, तो जे फिर भी सचेत नहीं होंगे तो फिर एको रह जाती है, कानूनी कार्रवाई लोड़ पवे तो कर देनी चाहिए है जी। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को कहा जेडीयू दे कि तुसी 72 घंटे पटना तो बाहर ना जाइयो। बिहार दे विच तां बीजेपी दे नाल रल के ये सरकार चला रहे ने, फिर नीतीश कुमार नूं किस चीज़ का डर है? चिंता इस गल की है कि एक केंद्रीय मंत्री उहदा नाम शायद RCP सिंह है, वो जनता दल यू का नीतीश कुमार की पार्टी का लोग सभा चोण नहीं जितया, उन्होंने राज्य सभा भेजा सी 2016 च गया। हुण उसकी म्याद पूरी हो चली आ जिन्हें उसकी मैंबरी की जुलाई में जां दोबारा चुनिया जाए जां घर बह जाए। उन्हें पिछले दिनों के अंदर अंदर भन तोड़ करनी शुरू करती है। उसदे बारे चर्चा ये है कि नीतीश कुमार का कहना घट मनता तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का वध मनता, इस करके नीतीश कुमार उसदे नाल थोड़ा बहुत नाराज़ है। दूजी चर्चा ये है कि नीतीश कुमार नूं भाजपा वालियां ने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तंग किया। उन्होंने पैर पैर ते दस्या जाता कि सीटां तेरियां घट है, तैनूं ते लिहाजी मुख्यमंत्री बनाया। ये गल सच्ची सी। जदों पिछले साल चोणां होणीआं सन बिहार च मैं पहले कहता सी कि चोण गठजोड़ भाजपा नाल हैगा, पर भाजपा कोशिश करेगी बिहार विच सरकार बनती है बने, नहीं बनती ना बने, पर नीतीश कुमार के बंदियां नूं अंदर खाते ढाह ला के हराया जाए ताकि इहदा कद थोड़ा जिहा घट जाए। ये मुड़ मुड़ जिहड़ा अखां विखाउंदा इनू अखा विखाउण जोगा ना छड्डिया जाए। उही गल होई, सरकार भावें दोवां तरह की रल के बन गई, पर नीतीश कुमार की पार्टी दीआं सीटां घट गईआं। उन्हें आपे ही कहता मैं नहीं मुख्यमंत्री बनदा, तो फिर भाजपा वाले ने लिहाज च आख्या नहीं जी मुख्यमंत्री तो तुसीं होवोंगे जिहदे कोल बहुत गिणती नहीं, जिहदे कोल बंदे भी गठजोड़ च छोटी पार्टी जिन्ने ने ते वड्डी पार्टी कोई होर आ, वो फिर अपने पैरां ते नहीं खड़ा हुंदा, वो किसी दे मोढे दा आसरा लैके तुरदा। भाजपा वाले इस वेले नूं ठिब्बी लाउण दे मूड विच है, तो वह भी कई पत्तना का तारू आ, हर वारी कोई नवां राह लभदा हुंदा। इस वेले लालू प्रसाद यादव के पुत्रां नाल गल्लां चलदियां पईआं ने, उहदे च कोई ना कोई ठिब्बी ये भी ला सकदा वह भी ला सकदे आ। उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों को कहता कि अगले 72 घंटे तुसीं पटने च रहना। इहदा मतलब यह है कि अगले 72 घंटियां कुछ ना कुछ पलटी वज सकदी है, जां जनता दल यू ते नीतीश कुमार भाजपा नूं छड्ड के RJD नाल जा सकदे आ, जां भाजपा पलटी मार के उहदे बंदे तोड़ सकदी है जी। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ पश्चिमी बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ਦਾ ਜਿਹੜਾ संसद मैंबर है वह तृणमूल कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ जो ममता की पार्टी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चला गया, ਇਹਦੇ बारे की कहोगे? पिछले साल पश्चिमी बंगाल ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ विधान सभा ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बड़े ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ कि नरेंद्र मोदी ਤੇ अमित शाह की अगवाई च भाजपा चढ़ी आती है। कांग्रेस ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, तृणमूल कांग्रेस ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ तो भाजपा नाल जुड़ते गए सन। वो जोड़े जुड़ते गए तो नतीजा निकलिया कि भाजपा 3 सीटां उहदे तो पहला 2016 च जीती सी, ते पिछले साल वो जदों चोणां दोबारा होणीआं सी 3 सीटां तो दल बदलियां करवा के बंदे नाल जोड़दी शायद 36 तक चली गई। इहदा मतलब दूसरां दे 33 विधायक उन्हें तोड़ दे, दूसरां दे पार्लीमेंट मैंबर भी तोड़े सन। वड्डे वड्डे लीडर उधरों छड्ड के ते भाजपा च जाण लग पे। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਕਲ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਆਓ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। जिस दिन वो भाजपा शामिल हो गया, उन्होंने बाद में किसी एक भी जांच एजेंसी ने पूछा नहीं, केस उन्हें हौली हौली अपने खारिज करवा ले। पिछलियां चोणों तक वो भाजपा इस करके रहा कि भाजपा की सरकार बन जानी है। जदों उन्हें वेख्या नहीं बनी तो छड्ड के ते फिर तृणमूल कांग्रेस वाल चला गया सी। अजकल फिर उधर आ इदां दे बहुत सारे लोग होर सन। जिहड़ा भाजपा का पार्लीमेंट मैंबर कल छड्ड के ते तृणमूल कांग्रेस विच ममता बैनर्जी कोल गया, ये भी पहलां असल में ममता बैनर्जी की पार्टी का ही लीडर होंदा सी, पार्लीमेंट मैंबर सी। ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 150 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, पर 150 सीटा वाले जोड़े से ये 100 भी ना टप सके तो थले रह गए। उदों बाद भाजपा दे विचों केरा लग गया, उहदे बहुत सारे लीडर एक एक करके इन्हों छड्ड के तृणमूल कांग्रेस वाले पासे नूं जाण लग पए। पंजाबी विच एक मुहावरा हैगा, उल्टे बांस बरेली नूं चल पए। जिहड़े बांस बरेली तो इधर आए सन वो जदों वापस तुर पए। जिहड़े लीडर पार्लीमेंट मैंबर ते MLA ते होर तृणमूल कांग्रेस नूं ते CPM नूं इन्हां वड्डियां धिरां नूं तिन्ने सियासी धिरां नूं छड़ छड़ के भाजपा चाहुंदे सन। जदों उन्हां वेखिया कि भाजपा दा गुब्बारा वैसे ही फुल्लिया सी, एक पासे तो सूई वज्जी ते सारी फूक निकल गई है, वो छड़ के फिर वापस जाने शुरू हो गए। हुण ओह कांग्रेस विच कोई नहीं जांदा, CPM च कोई नहीं जांदा, तृणमूल वल जा रहे ने, ममता बनर्जी वल। ये भी उत्थे चला गया, अजे कुछ होर भी जा सकदे जी। पंच साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी इस तमाम चर्चा के लिए। जी शुक्रिया जी। आज के इस प्रोग्राम के विच इन्ना ही। हुण मैनूं कुलदीप कौटन दी इजाजत, ते तुसीं देखदे रहो प्राइम एशिया TV, तुहाडा अपना, तुहाडे लिए।